ठीक है भाई, पढ़ना शुरू करते हैं। इनऑर्गेनिक क्या पढ़ रहे थे अपन? पीरियडिक टेबल पढ़ रहे थे। उसमें अपन लोगों ने पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और उसमें भी अपन लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहे थे। मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा रीड करने के लिए बोला था। मैंने बोला था डायग्राम दिया एनसीईआरटी में, फिर आप लोगों के रिप्लाई आए थे मेरे को। कुछ लोगों ने बताया कि पीरियडिक में नहीं दिया है, तो फिर मैंने उसका एक पीडीएफ भेज दिया था, जो बेसिकली डायग्राम आपको वैन डेर वाल्स रेडियस वाला जो है वो पीडीएफ में नहीं दे रखा है, वो आपको दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। तो मैंने जो पीडीएफ भेजा था वो देख लिया था, डायग्राम देख लिया था, उसमें कोवलेंट रेडियस दिखाया हुआ था और वैन डेर वाल्स रेडियस दिखाया हुआ था, है ना भाई? कोवलेंट रेडियस का तो डायग्राम अपन ने ही बनाया था। यहाँ पे देखो, ये बनाया था ना। बिल्कुल, तो अपन वैन डेर वाल्स रेडियस का भी लिख लेते हैं और डायग्राम भी बना लेंगे, राइट? चलो तो देखते हैं, पहले इसको लिखना शुरू करें। वैन डेर वाल्स रेडियस हेडिंग लिख ली थी सबने, मैं डिक्टेट करना शुरू कर दूं? गुड गुड, पर बेटा बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, करें डिक्टेट, लिखो। चलो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो बच्चों। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली और बिलोंगिंग टू टू TWO। जानवी बेटा, यहीं से लिखना शुरू किया है अपन ने, इसके पहले स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से लिखना स्टार्ट किया है। बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इन नहीं टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट कर देना उसको, ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट इसका मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको, और ये जनरली कहाँ यूज होगा वो भी करते हैं। एक बार लिख लो जल्दी से। लिया क्या भाई सबने? नहीं लिख रहे हो? चलो लिख लो, लिख लो जल्दी, लिख लो, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, अब तो लिख लिया होगा सबने, हो गया, सही है। तो देखो भाई, यहां हम क्या कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड जब था अपने पास तो उनमें आपस में बॉन्ड था, यहां पर इन दोनों में बॉन्ड नहीं है। ये एक डिफरेंस है मेजर कि भाई देर इज नो बॉन्ड इन बिटवीन दीज टू, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। ये एडजेसेंट मतलब पास पास में रखे होंगे, these will be placed close to each other,
एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, यानी या तो एटम एटम फॉर्म में रखे हों, तो एटम और एटम, जैसे कि नोबल गैसेस के केस में होगा, जैसे अगर ये हीलियम है और ये हीलियम है तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मतलब इसका किसी से बॉन्ड नहीं है, इसका किसी से बॉन्ड नहीं है, या फिर और बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपने पास जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, ऐसा एक मॉलिक्यूल हो, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अपने पास और इसी के बगल में एक और मॉलिक्यूल, ऐसा भी हो सकता है कि ये और ये एडजेसेंट है, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे H2 है अपने पास, लेट्स से दिस इज H2 एंड दिस इज ऑल्सो H2, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों में कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं बेटा अभी अपन। तो पहले नॉन बॉन्डेड में देखते हैं कि अगर वैन डेर वाल्स रेडियस इज नॉन बॉन्डेड में बताना हो तो क्या बताएंगे। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होना जरूरी है, अपन मॉलिक्यूल पे आते हैं, पहले एटम्स की बात कर लेते हैं। तो भाई ये इंडिपेंडेंट एटम्स हैं सॉलिड स्टेट में जो पास पास रखे हुए हैं, इनमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम पता करें, इनमें अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम मार्क करें, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऐसे आएगा, दिस विल बी योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम कह देते हैं, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज डी, या इसको डी वी डी डब्ल्यू से, वैन डेर वाल्स के लिए वी डी डब्ल्यू लिख देते हैं, तो डी वी डी डब्ल्यू। इसका अगर हम हाफ कर दें तो इसका हाफ यहां आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, ये चलो इसको और अच्छी जगह बना देते हैं, लेट्स ड्रॉ दिस अ लिटिल अप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस विल बी आर वी डी डब्ल्यू। तो आर वैन डेर वाल्स, वैन डेर वाल्स रेडियस विल बी डिस्टेंस इन केस ऑफ वैन डेर वाल्स बाय टू। तो फॉर्मूला तो वही है, बस डिस्टेंस नापने का केस कंडीशन अलग है कि भाई किस कंडीशन में नाप रहे हैं। पहले हमने किस में नापा था, पहले हमने इस टाइप में नापा था, कोवलेंट मॉलिक्यूल था या ओवरलैप था, इसका हाफ किया था, कोवलेंट ले, कोवलेंट के लिए मैं मार्क भी कर देता हूं उसको। तो यहां ये जो था, दिस वाज डिस्टेंस फॉर कोवलेंट, इसको हम डी सबस्क्रिप्ट सी से लिख देते हैं, डी सबस्क्रिप्ट सी, डी डिस्टेंस फॉर कोवलेंट बॉन्डेड के केस में, ठीक है? बॉन्डेड में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो कोवलेंट का आएगा, लेकिन अगर हम इस बार इसको इसमें किसी दूसरे कलर से यूज कर लेते, नॉन बॉन्डेड के केस में निकालें, एडजेसेंट में ये वाला डिस्टेंस अगर मार्क करें, तो मैंने जो तुमको डायग्राम भेजा था पीडीएफ में एनसीईआरटी से, उसमें भी बच्चों तुमको इस टाइप से दो मॉलिक्यूल दे रखे थे, और उसमें कोवलेंट और वॉन्ड्रोल दोनों मार्क कर रखा था। तो दिस विल बी डी वी डी डब्ल्यू, और इसमें अगर रेडियस मार्क करना होगा तो सेम इसके बीच से एक हाफ डिस्टेंस लेंगे, और इसका जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा आर वी डी डब्ल्यू, राइट? हाँ बिल्कुल, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा, चिंता मत करो। तो एक बात मैं तुमसे डायग्राम देख के पूछना चाह रहा हूं कि भाई यहाँ पे कोवलेंट रेडियस इस डिस्टेंस से आने वाला है जो बॉन्डेड है, और वैन डेर वाल्स इससे आने वाला है जहां नॉन बॉन्डेड है, तो कौन सा रेडियस बड़ा आएगा? वैन डेर वाल्स बड़ा आएगा। तो अगर किसी एक एलिमेंट के हम दोनों मेजर करें, किसी एक ही एलिमेंट के अगर हम दोनों रेडियस मेजर करें, तो
वॉन डेर वाल्स रेडियस बड़ा आएगा। हम हर एलिमेंट के दोनों मेजर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास डेटा हर किसी के लिए दोनों का नहीं होगा, बट जब कर पाएंगे तो वॉन डेर वाल्स बड़ा हो जाएगा। तो यहां हम लिख देते हैं आर वी डी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन आर सी, कोवलेंट से बड़ा है वॉन डेर वाल्स रेडियस। कंडीशन बस एक ही है बच्चों कि ये एटम और ये एटम सेम होना जरूरी है, जैसे ये एटम और ये एटम सेम होना जरूरी था, ये हीलियम और हीलियम है। यहां हम अपना पुराना एग्जाम्पल H2 और H2 ले लेते हैं, ठीक है। स्पर्श बेटा कि इस गैप को अलग से माइनस कर पाते हैं, अगर हम इस गैप को नाप पाते हैं, हम नाप ही तो नहीं पाते, दिक्कत तो यही है। अगर हम ये गैप नाप पाते तो फिर तो दिक्कत ही नहीं थी ना, फिर तो इतनी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो हम सीधे ये रेडियस नहीं नाप लेते, इतनी खटकर्म करने की क्या जरूरत थी। ये गैप जो है इसको अगर मेजर कर सकते तो फिर यही मेजर कर लेते रेडियस प्रॉपर, फिर अलग अलग वॉन डेर वाल कोवलेंट बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो बच्चों, मैं इस डायग्राम को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूँ आपके लिए, कोवलेंट रेडियस भी मार्क कर देता हूँ। दिस विल बी कोवलेंट रेडियस, दिस विल बी वॉन डेर वाल्स रेडियस। डी इज फॉर डिस्टेंस, डायमीटर नहीं बेटा, डी अपन ने डिस्टेंस के लिए लिखा है, ठीक है। डी इज फॉर डिस्टेंस, ये नोट कर लो। H2 डबल डबल लिखा है, मैं उसको हटा देता हूं। तो होगा क्या, ये एक वॉन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा अपना नोबल गैसेस के केस में यूज होगा, क्योंकि नोबल गैसेस आपके मॉलिक्यूल नहीं होते अपने पास, हीलियम टू, आर्गन टू, नियॉन टू, ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो उनका अपने पास कोवलेंट रेडियस नहीं आ पाता, उनका अपने को वॉन डेर वाल्स रेडियस ही मिल पाता है, ठीक। लिख लिया क्या सबने, ड्रॉ कर लिया, अच्छे से ड्रॉ करना बेटा। एक लास्ट रेडियस और पढ़ लें, फिर अपन कुछ एक क्लास मतलब एटम के लिए, फिर आयंस के लिए रेडियस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा अक्षत, देख दो सिंगल एटम का तभी निकाल रहे हैं जब एटम स्टेबल है, हीलियम और हीलियम का हम मेजर ही तब कर पाए ना जब स्टेबल हो, है ना, वो एटम रिएक्ट नहीं कर रहा हो। तो जनरली क्या होगा, एटम्स का ये जो है ये जनरली किसके लिए यूज होगा, ये वाला केस यूज होगा नोबल गैसेस के लिए। अरे रे, दिस विल बी यूज फॉर नोबल गैसेस, और ये जो है ये फिर हम दूसरी गैसेस के लिए निकाल सकते हैं, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, इन गैसेस के लिए हम ये मेजर कर सकते हैं। अरे भाई गैसेस के लिए मतलब ये गैसेस स्टेट में मेजर नहीं कर रहे, मेजर हम सॉलिड स्टेट में कर रहे हैं, तो गैसेस को लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे CO2 गैस होती है, CO2 सॉलिड भी होता है ऐसे। हाँ भाई लिख लिया, दिस वे कोवलेंट इज मोर एक्यूरेट। बेटा देखो इसमें एक्यूरेट की बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलता, है ना, तो वी शुड नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी इज नॉट वॉट इज रिक्वायर्ड। वॉट इज रिक्वायर्ड इज कि हम ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर पाए और इन डेटा की मदद से, इन ट्रेंड्स की मदद से कुछ प्रॉपर्टी बता पाए, वो एक काम की चीज है हमारी। प्रिसाइज भी बोल, मतलब देखो इससे अपने को फायदा नहीं होगा कुछ भी, मतलब इट्स इट विल जस्ट बी अ नंबर कि एग्जैक्ट रेडियस मिल जाए, इट विल ऑलवेज बी गुड अगर एग्जैक्ट रेडियस मिल जाता है, बट लेट्स नॉट पुट अ नेम टू इट कि भाई ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये ज्यादा प्रिसाइज है, बस टाइप ऑफ रेडियस है अलग अलग, है ना। सी, आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सी इज, ये बी था ना अपना, हाँ बी ही था, तो सी आ जाएगा मेटालिक रेडियस।
बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को मतलब है कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड जिस डेटा पे बेस्ड है वो डेटा किस तरीके से निकाला गया है। जैसे ट्रेंड हमने नहीं बनाए हैं, लोगों ने एक्सपेरिमेंटली मेजर किए हैं डेटा को, रेडिसेस को, और फिर उन्हें ट्रेंड्स बताए हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि एक डेटा जो है वो कैसे मेजर्ड है, डेटा हमारे पास किस फॉर्म में है। तो हमारे पास डेटा इन फॉर्म्स में, कोवेलेंट रेडियस के फॉर्म में, वॉन डेर वाल्स रेडियस के फॉर्म में और मेटालिक रेडियस के फॉर्म में। अब इस पर डिबेट यहाँ नहीं करेंगे कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, वो बाद में कभी, है ना। अभी तो अपने को इससे मतलब है कि भाई ये डेटा है, इससे ट्रेंड बनाए, ट्रेंड कैसे बन रहे हैं, उनको हमको प्रिडिक्ट करना क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, ये सब सीखना है। अब ये तो बेटा स्केल है ना, रेडियस कैसे निकालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। लिखो लिखो, अभी तो काम की चीजें लिखो तुम। मेटालिक रेडियस, हाँ तुम लोगों ने बेटा मेटालिक बॉन्ड पढ़ा है क्या कभी? पहले मेटालिक कर्नल्स नाम सुना होगा। क्या बात कर रहे हो यार, मेटालिक कर्नल्स तो नाम सुना होगा ना, नहीं सुना है? चलो ठीक है यार, तुम लोग अभी 12th में फिर से पढ़ोगे। ये नहीं, मेटालिक बॉन्ड तो मैं अभी कोवेलेंट में ही पढ़ा दूंगा तुमको। और मेटालिक बॉन्ड तुम अभी पहली बार पढ़ोगे कोवेलेंट बॉन्डिंग में। एनसीईआरटी में कहीं कहीं रहता है यार, मेरे को ऐसा याद है मेटालिक, थोड़ा बहुत मेटालिक लेटेस्ट टाइप की चीज पढ़ते हैं। हाँ सही बात है वैभव, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेंगे। वैसे तो मेरे को ऐसा याद है कि भाई कहीं ना कहीं आता तो है वर्ड, डिटेल में नहीं पढ़ा वो बात अलग है, बट वर्ड कहीं आता है। सही है कुहू। चलो भाई लिखो, मेटालिक रेडियस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू क्लोजेस्ट मेटल, ऑफ टू क्लोजेस्ट मेटल एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल, इन द मेटालिक क्रिस्टल। बेटा आर सी अपन ने यूज किया था रेडियस कोवलेंट के लिए, ठीक है। अब इसमें मेटालिक क्रिस्टल अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। तो आपके पास कुछ एटम्स अरेंज्ड हैं, इस तरह से। अरे स्क्रीन कहाँ फ्रीज हो गई, जबरदस्ती दिख तो रहा है। अरे नहीं हुई थी भाई, द स्क्रीन वॉज नॉट फ्रीज, आई वॉज जस्ट मेकिंग थिंग्स प्रॉपर। पता नहीं मतलब मुझे तो नहीं दिखी फ्रीज हुई, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। खैर तो मेटालिक क्रिस्टल में क्या होता है, इस तरीके से एटम्स अरेंज होते हैं, तो इनमें जो डिस्टेंस आता है, जैसे अब इन दो के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, ये एक एटम ले लिया अपन ने, ये दूसरा एटम ले लिया, और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन डी सबस्क्रिप्ट एम कह देते हैं। तो जो मेटालिक क्रिस्टल होगा या मेटालिक रेडियस होगा, तो रेडियस मेटालिक विल बी डी मेटालिक बाय टू। तो फॉर्म तो वही रहता है भाई, डिस्टेंस का हाफ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। मैंने पहले भी बताया था कि रेडियस किसी भी फॉर्म में कहें वो यही रहेगा, लेकिन मोर एक्यूरेट
कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेटल क्रिस्टल में भी अपन सीखेंगे कि भाई इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बट आप कह सकते हैं कि उन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा बेटर है. दिस इज व्हाट वी कैन से कि दिस इज स्लाइटली बेटर इन कंपैरिजन टू द अदर टू. इसमें अपन इसको मार्क भी कर लें. ये जो डिस्टेंस आएगा ये कहलाएगा मेटालिक और मेटालिक, आर एम एंड आर एम. बिल्कुल सही बात है चयन बेटा. तो मैं भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि भाई अगर हमको किसी एक ही एलिमेंट के तीनों रेडियस मिल जाए, अगर हमको किसी एक ही एलिमेंट के तीनों रेडियस मिल जाएं, तो बेटा सबसे बड़ा रेडियस कौन सा आएगा? वान डेर वाल्स. तो फॉर एनी गिवन एलिमेंट अपन क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन से इज फॉर एनी गिवन एलिमेंट वॉन डर वॉल्स रेडियस इज ग्रेटर देन. वॉन डर वॉल से छोटा कौन सा आएगा? मेटालिक इज ग्रेटर देन कोवलेंट. बिल्कुल तो ये अपने पास ट्रेंड आ जाएगा. कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे तो होगा ये कि ज्यादातर एलिमेंट के लिए अपने पास एक या मैक्सिमम दो होते हैं, तीनों रेडियस जनरली मिलते नहीं है. क्योंकि जैसे मेटल्स के आप कोवलेंट या मेटालिक बना सकते हो, उनके वैन डेर वाल्स मिलना बहुत मुश्किल है. फिर कुछ एलिमेंट्स के आप वैन डेर वाल्स और कोवलेंट निकाल सकते हो, लेकिन उनका मेटालिक मिलना मुश्किल है. तो तीनों मिलना मुश्किल होते हैं, बट थियोरेटिकली कंपेरिजन कभी करवाया जाए या कुछ एलिमेंट्स का अपने को अगर तीनों मिल जाए तो अपन को ये ऑर्डर उसमें मिल जाएगा जिस तरीके से अपन ने डिफाइन किया है उस हिसाब से. मेटालिक बेटा, मेटालिक जनरली क्या होता है, मेटल क्रिस्टल्स के लिए हो पाएगा, क्योंकि हमने कहा ही है ये कि ये इन मेटालिक क्रिस्टल डिस्टेंस का हाफ कर्म है. तो मेटालिक क्रिस्टल जनरली मेटल्स के बनते हैं, और ऐसे ही वॉन डर वाल रेडियस नोबल गैसेस में सिर्फ वॉन डर वाल ही मिल पाएगा, अपने पास कोवलेंट रेडियस नहीं होगा. तो वॉन डर वाल्स रेडियस जो है वो नोबल गैसेस का यूज होता है, बाकियों का कोवलेंट कोशिश करते हैं कि सबका कोवलेंट ले ले जहां तक हो सके. नॉन मेटालिक नाम का कोई रेडियस नहीं है बेटा, मतलब मेटल होता है तो नॉन मेटल होता है, तो अगर मेटालिक रेडियस है तो नॉन मेटालिक रेडियस भी होगा. तो बेटा इसलिए तो अपन ने कोवलेंट पढ़ा है ना, कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल से बनाते हैं. किसी किसी बातें कर तो कभी कभी तुम मस्त चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं. हाँ भाई लिख लिया क्या? तो अपन थोड़ा आयंस के रेडियस के बारे में लिख ले, फिर ट्रेंड पढ़ लेंगे, और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लूंगा आयंस के बारे में. पीयूष बेटा जो मैं इलेक्ट्रॉन्स का कह रहा था ना मेटालिक रेडियस में, वो मैं तुमको जब मेटालिक क्रिस्टल पढ़ाऊंगा या मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, बॉन्डिंग में तो मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो. अभी रेडियस पे ध्यान रखते हैं, ये काम की चीज है अपने. आओ फटाफट से आयनिक रेडियस और लिखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. डी आयोनिक रेडियस. उसमें लिखो, व्हेन अ न्यूट्रल गैशियस एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स टू. When a neutral gaseous atom loses an electron, it converts to किस में कन्वर्ट होगा भाई? केटायन.
पर वसीकी के जवाब आया 3 बार आगे आ, लेकिन अब अच्छा बाकी लोग लिख रहे हैं कैटायन। हाँ भाई कैटायन कन्वर्ट्स टू अ कैटायन आयन तो बन ही जाएगा, स्पर्श कौन सा आयन कैटायन। अब मुझे बताओ कि कैटायन का रेडियस छोटा होगा या उसके एटम का रेडियस छोटा होगा, कौन किसका रेडियस छोटा होगा। कैटायन का ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन कम होगा बिल्कुल, तो रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। तो भाई आपको Na और Na प्लस को कंपेयर करना है, या फिर Al+3, Al+2, Al+1 और Al को कंपेयर करना है। ठीक है निर्भय बेटा, ओके। हाँ भाई कंपेयर करके बताओ। अरे डेटा थोड़ी पूछा है तुमसे, डेटा बता रहे हो वैभव, ढूंढना थोड़ी है, रटना थोड़ी है। हाँ भाई क्या आंसर आएगा। तो Na विल बी ग्रेटर देन Na प्लस, बिल्कुल, और Al+3 स्मॉलर देन Al+2, Al+2 स्मॉलर देन Al+, Al+ स्मॉलर देन Al, बिल्कुल। लिख लिया तो न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसने बना लिया कैटायन। अगर न्यूट्रल एटम गेन कर लेगा तो क्या बना लेगा, एनायन। तो सी के नीचे लिख लो नेक्स्ट लाइन में, व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन कॉमा इट कन्वर्ट्स टू एन एनायन। और कौन बड़ा होगा बेटा, न्यूट्रल एटम बड़ा होगा कि एनायन बड़ा होगा। रेडियस ऑफ पेरेंट एटम विल बी स्मॉलर और एनायन बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम। एग्जाम्पल Cl नेगेटिव और Cl में, O2 नेगेटिव, O नेगेटिव और O में क्या ऑर्डर आएगा बताओ भाई। डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सही बात है। तो Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl, O2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन O नेगेटिव, O नेगेटिव इज ग्रेटर देन O। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, रेडियस बड़ा होता जाएगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का एडिशन अमाउंट्स इन इंक्रीज इन रेडियस, राइट। सही बात है ना। हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब अपन अगर किसी चीज के तीनों केसेस अपने पास है, कैटायन भी है, एनायन भी, न्यूट्रल एटम भी है, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन
साइज ऑफ एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन। तो किसी एक ही स्पीशीज के अगर अपने पास तीनों केसेस पॉसिबल हों तो हम लिख सकते हैं, जैसे आई नेगेटिव आयोडीन नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन आयोडीन एटम विल बी ग्रेटर देन आयोडीन का कैटायन। सिमिलरली एच नेगेटिव हाइड्राइड इज ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन हाइड्रोनियम या एच प्लस आयन। एनायन बिगेस्ट कैटायन स्मॉलेस्ट एटम या न्यूट्रल स्पीशीज इन द मिडिल। नहीं, पीयूष बेटा तुमने ये पढ़ा था कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाली बात नहीं थी, ये एटॉमिक नंबर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बात थी, है ना? तो एनायन बनाने वाली बात नहीं थी, वो न्यूट्रल एटम्स के लिए पढ़ी थी तुमने, जो बात पढ़ी थी। स्क्रॉल अप बचा है ऊपर लिखने का, अरे जल्दी लिख लो। तो फैक्टर्स पढ़ते हैं फिर। लिया तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा रेडियस वो लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है तो लिखो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो अपने को देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो भाई सबसे पहले तो बताओ नंबर ऑफ शेल्स पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ाऊंगा तो साइज का क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। बिल्कुल, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। ब्रैकेट में एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज स्मॉलर देन लिथियम इज स्मॉलर देन सोडियम इज स्मॉलर देन पोटेशियम। साइज बढ़ाते जाते हैं, साइज बढ़ा शेल बढ़ाते जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। सेकेंड फैक्टर, जेड इफेक्टिव पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा, जेड इफेक्टिव यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो साइज का क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना? इन्वर्सली डिपेंड करेगा। बिल्कुल भाई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करोगे तो साइज छोटा होना चाहिए। बिल्कुल, तो साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो भाई लिथियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव बेरिलियम में होता है, उससे छोटा बोरॉन, उससे छोटा कार्बन नाइट्रोजन, है ना? लेफ्ट राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज देयर फोर साइज डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है। थर्ड फैक्टर पे आते हैं भाई, साइज सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इन ब्रैकेट स्क्रीनिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल, एन थ्री नेगेटिव इज ग्रेटर देन एन टू नेगेटिव इज ग्रेटर देन एन नेगेटिव इज ग्रेटर देन एन। हाँ सौरभ बेटा, आएंगे उस पर भी आएंगे, अभी रुको तो सही, आते हैं। अभी पहले ये तो सीख लें अपन, एक एक प्रॉपर्टी सीख लें किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फिर अपन उस पर भी आएंगे। हाँ
हाँ लिखा भाई सबने। सिग्मा के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करें तो भाई पॉजिटिव चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा साइज? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो साइज कम होगा। अच्छा नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, है ना? इसका तो एग्जांपल अपन लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, आई माइनस आई और आई प्लस, या एच माइनस एच और एच प्लस। एक चीज और लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर करके एक टर्म आएगा जो अपन लोग बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो उसको लिख यहाँ लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है ये अपन बॉन्डिंग में सीखेंगे, तब तो वहां पे इस चीज को दोबारा यूज करेंगे कि साइज जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर इन ब्रैकेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां नहीं पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब करेंगे, बट इसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि फैक्टर साइज का है। इसको लिखते हैं, फिर ट्रेंड लिखना शुरू करते हैं बेटा। लिख लिया? ठीक है, तो अब अपन कुछ ट्रेंड्स लिख लेते हैं। एटॉमिक साइज ट्रेंड्स, चैन बेटा बॉन्ड ऑर्डर का एग्जांपल यहां नहीं करेंगे अपन, बॉन्डिंग में ही करेंगे, क्योंकि यहां अगर बॉन्ड ऑर्डर का मैंने एग्जांपल छेड़ दिया तो फिर पूरी बॉन्डिंग डिस्कस करनी पड़ जाएगी, तो बॉन्ड ऑर्डर की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। इसको हमने लिख लिया है, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब अपन बात कर लेंगे, इसकी चिंता मत करो, बॉन्डिंग में सिखाऊंगा आपको। हाँ मैं क्या बता रहा था, एटॉमिक साइज का ट्रेंड लिख रहे थे हम, तो पहले लिख लेते हैं इन पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर लेफ्ट राइट जाते वक्त ऑर्डर क्या आता है वो देख लेते हैं। तो पीरियड नंबर टू जो अपने पास है दैट इज लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। तो ट्रेंड डिक्रीजिंग बनना है बेटा। अरे रे विजिक्षु, साइज बढ़ने से थोड़ी चार्ज होता है, चार्ज से साइज है, उल्टा कह रहे हैं। हाँ भाई साइज डिक्रीज, ऑर्डर डिक्रीजिंग आएगा लिथियम से बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। यहां थोड़ा सा अपने को उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ उल्टा क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैसेस का अपने पास वैन डेर वाल्स रेडियस होता है, तो अपन जब डेटा कंपेयर करने जाते हैं तो डेटा और नोबल गैसेस का अपने पास वैन डेर वाल्स का ही है, और बाकी सब का डेटा जनरली अपने पास कोवलेंट और मेटालिक का होता है, तो वो नोबल गैसेस में वैन डेर वाल्स का डेटा होने की वजह से अपने को साइज डेटा से जब ऑर्डर निकालते हैं तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर में नोबल गैसेस का साइज बड़ा आता है, ड्यू टू वैन डेर वाल्स रेडियस मेजरमेंट इन नोबल गैसेस, ड्यू टू वैन डेर वाल्स रेडियस मेजरमेंट इन नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में वैन डेर वाल्स रेडियस मेजर करते हैं इसलिए ये दिक्कत है। प्रिडिक्ट तो बेटा प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट प्रिडिक्शन को मानेगा नहीं ना कोई। तुमने कह दिया कि सर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि 2 साल बाद ऐसा हो जाएगा, हो सकता है वैसा हो जाए, हो सकता है तुम सही भी कह रहे हो,
बट मान नहीं रहा ना कोई तुम्हारा प्रोडिक्शन, क्या करें। वो कह रहे हैं तुम तो कुछ तो सब्सटेंशियल दिखाओ हमको, सिर्फ तुम्हारे एक सोचने से कैसे मान लिया जाए। तो है, ऐसी बात नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक कंपेयर कर सकते हो कि इसका वॉन्डोल्स रेडियस इतना था तो इसका कोलेंट इतना आता है, तो नोबल गैसेस का वॉन्डोल इतना है तो कोलेंट इतना आना चाहिए, वैसा कर सकते हैं। बट ठीक है, तुम्हारे पास डेटा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है वो वॉन्डोल्स रेडियस का ही है, तो तुम अगर उससे ऑर्डर निकालोगे तो तुम यही ऑर्डर निकालोगे। ठीक, तो लास्ट में सब में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हर पीरियड में लास्ट में उल्टा हो जाएगा ऑलवेज। तो याद रखना भी आसान है भाई, एक ही जैसे ट्रेंड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर पीरियड थ्री लिखेंगे हम, इफ वी राइट दिस फॉर पीरियड थ्री, तो पीरियड थ्री इज सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। तो आर्गन में फिर यही बात आने वाली है और यही रीजन रहेगा, और बाकी का ऑर्डर यही रहेगा कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। और इस केस में क्या होगा कि नोबल गैस का ही साइज बढ़ाएगा, तो यहां से यहां लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है और इसीलिए साइज डिक्रीज हो रहा है। तो पीरियड टू में फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है, पीरियड थ्री में क्लोरीन स्मॉलेस्ट है, और यहां पे देखना चाहोगे तो नियॉन इज ग्रेटर देन लिथियम, और यहां देखना चाहोगे तो आर्गन इज ग्रेटर देन सोडियम। ठीक, आर्गन बिगर देन बेरिलियम, बेटा बेरिलियम से तो बड़ी होगी आर्गन, उसमें क्या दिक्कत है। लिख लो भाई, लिख लिया। लिख लो लिख लो। पुष्कर बेटा वो तो आसान है ना, एफ बड़ा है सीएल बड़ा है, वो तो अभी ग्रुप का ऑर्डर लिखेंगे तो आ ही जाएगा। नियॉन ग्रेटर देन आर्गन, नियॉन आर्गन से बड़ी केस हो सकती है बेटा, शेल बढ़ गया ना, ऑब्वियसली आर्गन शुड बी ग्रेटर देन नियॉन। आयुष, नियॉन और एन थ्री माइनस में बड़ा कौन होगा, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे पता ही नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं है सवाल अभी, तो आधी चीजें पढ़ी नहीं है, पहले सब चाहिए आंसर। अरे रे, एने ही लिखा है भाई, नियॉन नहीं लिखना है यहाँ, ये सोडियम इससे कंपेयर किया, आर्गन को सोडियम से कंपेयर किया है, जैसे नियॉन को लिथियम से कंपेयर किया था। क्या तुम तो मतलब क्या ये सोच रहे हो कि गलत लिख दिया मैंने, कहाँ चले जाते हो यार, लिख लिया कि ये बताओ, आगे की चीजें बताऊ मैं। अरे रे, मतलब बताने ही नहीं देंगे पहले ही, सर अगर दो एलिमेंट्स का ग्रुप ऑफ पीरियड अलग हो तो क्या, वो मेरा मेरा काम है ना बेटा, वो सवाल तो मैं पूछूंगा तुमसे कि मैंने तुम्हें ये सिखा दिया प्रेडिक्ट करो, तो देखेंगे। चलो ठीक है, एक चीज और पूछ लेता हूँ तुमसे, पीरियड वन में ऑर्डर बताना भैया जरा, पीरियड वन का ऑर्डर क्या आएगा। दो ही चीजें, या तो हाइड्रोजन और हीलियम,
ये आएगा बिल्कुल। चलो ग्रुप्स में देख लेते हैं ट्रेंड क्या आते हैं। और ये जो है मैंने तुमको बढ़िया वाले ट्रेंड लिखवाए, अभी एक्सेप्शन तो आएंगे बाद में, है ना। तो अपन ग्रुप 1, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 2 के लिए भी जगह बना लेते हैं। ग्रुप 1 इनको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं, बीच में अपने पास आ जाएगा ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18। तो भाई यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो डाउन द ग्रुप जाते वक्त साइजेस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, द साइजेस विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है। एज यू गो डाउन शेल नंबर इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बढ़ेगा। अब ऐसा सब जगह नहीं होगा, जहां नहीं होगा वहां देखेंगे। अरे अभी आएंगे यार, एक दिक्कतें आएंगी, चिंता मत करो। ये तो बढ़िया ऑर्डर लिख लिए हैं, अभी यहां तक लिख लो, फिर आगे बात करेंगे। एस्टेटिंग क्यों नहीं लिखा वो देखेंगे सब बाद में। आते हैं अभी थोड़ा एक एक करके, आज चीजें सीखना नहीं है तुमको, जो अभी आसानी से सीख पा रहे हो पहले वो सीख लो, फिर अभी तुम में थोड़े से चेंजेस आएंगे, फिर तुम थोड़ी देर बाद कहोगे अरे सर। भाई लिख लिया? तो एक सवाल पूछ लूं तुमसे फिर बताऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि पहले बता दूं फिर सवाल पूछूं, बट मुझे लग रहा है कि पहले सवाल पूछना चाहिए फिर तुम्हें बताएंगे। तो लिखो सवाल, उसके बाद नोट लिखेंगे, पहले क्वेश्चन उसके बाद नोट। तो विच इज द स्मॉलेस्ट एनायन? Among non-metals of periodic table, सबसे छोटा एनायन कौन सा होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में? हर्ष मेरे जवाब का सवाल दो। बोरॉन? बेटा बोरॉन से तो छोटा फ्लोरीन ही होता है। चलो मैं तुमको कुछ ऑप्शंस दे देता हूं, इनमें से देख लो, इनमें से कोई एक सही है। अब वो कौन सा आंसर है? तो आंसर क्या है? H नेगेटिव या F नेगेटिव? आधे लोग H नेगेटिव कह रहे हैं, आधे लोग F नेगेटिव कह रहे हैं। कौन होगा भाई? लॉजिकली तो वैसे H नेगेटिव होना चाहिए, है ना। लॉजिकली तो H नेगेटिव को होना चाहिए था। मैं आंसर बता देता हूं, किसी ने प्री रीड किया था क्या ये? इसका आंसर कहीं देखा था क्या किसी ने? नहीं देखा था।
अरे पार्थ बेटा, हीलियम एनायन कैसे पढ़ा पड़ेगा? पर 10th में पढ़ा था। अच्छा चलो, पढ़ लिया था तो फिर बात अलग है। आंसर आएगा एफ नेगेटिव, और नोट करके लिख लो अब। नोट नंबर 1, Li प्लस इज ग्रेटर देन Mg प्लस 2 इज ग्रेटर देन Al प्लस 3, पीरियड 3, पीरियड 2। और दूसरा, H इज स्मॉलर देन F बट H नेगेटिव इज ग्रेटर देन Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन F नेगेटिव। तो ये होता है। अब क्यों होता है हाइड्रोजन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो री फैक्ट तो यही है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई ऐसा क्यों, हमको एबनॉर्मलिटी क्यों मिल रही है, कि एच नेगेटिव इतना बड़ा क्यों हो रहा है, उसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है, हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिख लो यहाँ तक। लिख लिया क्या सबने? तो मैं थोड़ा सा इसका रीजन बता देता हूं तुमको कि भाई क्यों है ये। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से छोटा था तो इसमें क्या था, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, और इसमें 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है? नहीं, आयुष, इनफाइनाइट रेडियस वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने एच से एच माइनस बना दिया, जब आपने एच नेगेटिव बना दिया, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको थोड़ा अलग तरीके से अरेंज करके लिखते हैं, काम करते हैं। एच और इधर लिख लेते हैं, एच नेगेटिव एफ नेगेटिव। तो इसमें अब एक प्रोटॉन रह गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 9 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन। तो हो क्या रहा है कि जो अट्रैक्शन करने की पावर है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जगह अब एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले एक प्रोटॉन को एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना था, अब इलेक्ट्रॉन सीधे डबल हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट डबल्ड। तो पहले यहां पे सिग्मा था 0, यहां सिग्मा की वैल्यू आ गई, जेड इफेक्टिव यहां पे 1 था, यहां काफी छोटा हो गया, तो नेट अट्रैक्शन जो है बहुत कम हो जाता है, सीधे इलेक्ट्रॉन डबल हो जाते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा आयन है पीरियडिक टेबल में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो रहा है। तो एक ही प्रोटॉन को अब दुगना काम करना पड़ रहा है, उसको 2 प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखना पड़ रहा है। इट बिकम्स टफ फॉर इट टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स वेरी क्लोज टू इटसेल्फ। हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि सेम साइज, बट इसमें दोगुने इलेक्ट्रॉन करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन करने पड़ते। सेम साइज तो नहीं कहेंगे, बट इसमें इलेक्ट्रॉन को डबल करने के लिए 18 करना पड़ता, जो होता नहीं है। तो हो क्या रहा है कि सिर्फ हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एनायन बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सीधे डबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डबल होने की वजह से साइज में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, इसलिए ये एक्सेप्शन शो कर देता है। इट शोज एन एक्सेप्शन ड्यू टू अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी ड्रास्टिक परसेंटेज इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 100% इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और फ्लोरिन में सिर्फ 11% इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 9 पर, इस वजह से। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं एक दो नॉर्मल सवाल पूछ लेता हूं आपसे कि भाई कैसे कंपेयर करेंगे। हाँ, तो अट्रैक्शन आधा हो गया ना सीधे बेटा, एक प्रोटॉन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो आधा हो गया। हाँ अच्छा, सॉरी, ये मैंने
एरोज अंदर गलत लगा दिए क्या? एक सेकेंड, इतने को सेकेंड पीरियड करना है और इतने पूरे को थर्ड पीरियड करना है। सही बात है। दिस इज इन थर्ड पीरियड, दिस इज इन पीरियड टू। ओ भगवान, आयुष खेलवाल सर एच माइनस बड़ा कैसे? तो ऐसी बात हो गई, पूरी राम कहानी खत्म हो गई। फिर कह रहे सर राम नाम का कोई था भी क्या कैरेक्टर कहानी में? अभी यही फिनिश करके, मतलब यही समझा के फ्री हुआ हूं मैं कि एच माइनस बड़ा है, ये तो फैक्ट है ना? फैक्ट है, मतलब है, लोगों ने मेजर किया है, एच माइनस बड़ा आता है। हम सिर्फ समझा रहे हैं कि एच माइनस बड़ा आ रहा है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? आ रहा है तो क्यों आ रहा होगा? तो वो मैंने समझाया अभी। अगली बार से ना ऐसे ऐसे ऐसा सवाल भी पूछेगा ना, क्लास के बाहर कर दूंगा। हाँ मतलब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर कम है, उस पर एक ही प्रोटॉन है बेचारे पे। पहले वो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा था, उसको दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना पड़ रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी आधी हो गई सीधे, जो किसी भी और एनायन की नहीं होती। पूरी पीरियडिक टेबल में ऐसा कोई भी एनायन नहीं होता जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी सीधे हाफ हो जाए इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। तो एच माइनस इतना बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो इतने सारे लोग रिप्लाई दे रहे हैं, सही सही लिख के भेज रहे हैं। और लिखो जल्दी, चलो सवाल और कराने यार। ऐसी ऐसी बातें करवा देते हो, तुमकी स्पीड स्लो हो जाती है और मेरे को भी ऐसा लगने लगता है क्या ये क्या चल रहा है ये। रुक जाएगा आयुष, तेरे को मैं क्लास के बाहर कर रहा हूँ, तू आज मानेगा नहीं, आज तो बार भेजना ही पड़ेगा, निकाल दूंगे बाहर। हाँ भाई ठीक है, अभी इस बार नहीं निकाल रहा हूँ, अगली बार बाहर कर दूंगा, समझ गया। लिखो सवाल। Arrange the following in increasing order of their sizes. Arrange the following in increasing order of their sizes. Your options are A, oxygen, sulfur. ऑप्शन नहीं, मतलब आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है? बी कार्बन सिलिकॉन फास्फोरस नाइट्रोजन, सी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। बताओ भाई क्या आएगा ऑर्डर? पहले वाले का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में सबसे छोटा कौन होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, और क्लोरीन इस टाइप से है। सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन, बिल्कुल। उससे बड़ा ऑक्सीजन, उससे बड़ा क्लोरीन और सबसे बड़ा सल्फर, यही ऑर्डर आएगा। FOCl(S) लॉजिकल है, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? और बच्चों ध्यान रखो, 70-80% ऑफ द टाइम आपसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 70-80% ऑफ द टाइम आपको यही पूछा जाएगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको समझ के आप क्या जवाब दे सकते हो। 5-10% ऑफ द टाइम ऐसे सवाल आ सकते हैं जो मतलब आपने पढ़ा हुआ हो तो ही हो पाए, बिना पढ़े नहीं हो पाए। कि आपको कोई चीज याद है तो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा।
तो 10 से 5% के लिए ये चीजें पढ़ना जरूरी है, 70-80% के लिए ये जरूरी है, बचा हुआ जो 10% है वो थोड़ा इससे थोड़ा सा टफ आएगा। दैट इज हाउ योर क्वेश्चंस विल बी इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, इन योर मॉड्यूल्स, इन योर रेफरेंस बुक्स, इन योर पेपर्स एज वेल। यही ऑर्डर इस परसेंटेज में चलेगा जनरली। अगला ऑर्डर भाई इसी लॉजिक से अरेंज करना है, तो मैं लॉजिक वाला अरेंजमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मुझे बताओ क्या ऑर्डर आएगा। सबसे छोटा कौन है? नाइट्रोजन, फिर कार्बन, बिल्कुल CN, कार्बन, नहीं नाइट्रोजन कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। बिल्कुल फास्फोरस और सिलिकॉन सही है। इन दोनों में कौन बड़ा आएगा? ये इन दोनों में कोई बड़ा आएगा भी? ये इसलिए लिखा है मैंने, आइसोटोप्स में सिर्फ न्यूट्रॉन का फर्क होता है, प्रोटॉन उतना ही है, इलेक्ट्रॉन उतना ही है, जेड इफेक्टिव उतना ही है, शेल उतना ही है, साइज भी सेम रहेगा, आइसोटोप्स आर सेम साइज। इसको लिख लो, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए करवाया है कि आइसोटोप्स बोले जाएंगे तो आप सेम साइज मान के ही चलोगे फॉर आइसोटोप्स। बिल्कुल आइसोबार्स में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, इन केस ऑफ आइसोबार्स देयर विल बी डिफरेंस। लिख लिया? एक नोट और लिख लें, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, साइज या तो आप जेड से लिख लो, इनवर्स ऑर्डर ऑफ जेड आएगा, बेटा विजिक्षु पीरियडिक ट्रेंड से ही किया है इनको अपन ने। देख पीरियडिक ट्रेंड में क्या होता है, लेफ्ट राइट जाते वक्त साइज छोटा होता है तो ये साइज छोटे हो गए, और डाउन द ग्रुप जाते वक्त साइज बढ़ता है तो ये साइज बड़े हो गए, तो इसमें सबसे छोटा फ्लोरीन आ गया, उससे बड़ा ऑक्सीजन है। सॉरी, ना तो किया अपन ने उसी से है, ऑर्डर से ही किया है। अब इधर तो भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में या तो सिर्फ जेड से बता दो ऑर्डर, जेड से भी आ जाएगा, या आप चार्ज देख के बता दो कि भाई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज बड़ा है, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा है। आइसोइलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है। अरे नहीं नहीं उत्कर्ष, है ना, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। जैसे आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक में एच नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम +2 और बोरॉन +3 है, इनमें इलेक्ट्रॉन सब में दो हैं, दो 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 और दो, जेड देखोगे तो 1, 3, 4 और 5, तो जेड का उल्टा ऑर्डर आएगा साइज का, है ना, ऑर्डर ऑफ साइजेस इनवर्स ऑफ जेड। तो सबसे बड़ा कौन होगा? एच नेगेटिव, फिर Li+, फिर Be+2, फिर बोरॉन +3, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर है, जिसमें जेड कम है उसका साइज बड़ा है। और एक केस देख लेते हैं, सेकेंड, N3- O2- F-, Na+ Mg+2 Al+3, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई सब में? कितने इलेक्ट्रॉन है? 10।
इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, और जेड कितना आएगा? अलग अलग आएगा जेड, कितना कितना आएगा? 7, 8, 9, 11, 12, 13। तो ऑर्डर जो है वो जेड का उल्टा आने वाला है, या नेगेटिव चार्ज बड़ा और पॉजिटिव चार्ज छोटा, दोनों में से किसी भी निकालो आंसर ही आएगा। ठीक है, इसमें भी नोट करवा देता हूँ। नोबल गैसेस अगर बीच में आ गई बेटा तो उसको तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका डेटा तुम्हें पता ही होना चाहिए। नोबल गैस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो आपको फैक्ट की तरह पता ही होना चाहिए। जैसे N3- से नियॉन बड़ा है, इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव। तो नोट ये है कि नोबल गैसेस शुड बी नोन एज अ फैक्ट इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज कंपैरिजन। तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस, मतलब JEE में आने के चांसेस थोड़े कम है, बट आपको किसी किसी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है तो बुक्स में वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई आपको पता हो, इसलिए आपको दे दिया है। JEE में पूछे जाने के चांसेस कम है। ठीक है, तो नोबल गैसेस का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम, बाकी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको डेटा रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली ऑर्डर आ जाएगा। तो बस एक ऑर्डर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, थर्ड वाला ये मेरे को बता दो। तो फॉस्फोरस 3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2 और स्कैंडियम +3, क्या ऑर्डर आने वाला है? बिल्कुल, नोबल गैसेस का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते बेटा अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, तो नोबल गैसेस का ऑर्डर पता होगा तो ही हो पाएगा। डेटा मतलब डेटा रटने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर पता होना चाहिए। हाँ भाई, इधर क्या ऑर्डर आएगा ये बताओ। आयुष खेल वाल इंक्रीजिंग कैसे आएगा? डिक्रीजिंग, बिल्कुल। हाँ भाई आयुष, इंक्रीजिंग कैसे आ रहा तेरा? फोन लगाना पड़ेगा तेरे घर पे लगता है। दो एग्जांपल बताने के बाद भी इंक्रीजिंग बोल रहा है, शर्म नहीं आ रही? या तू ये चाह रहा है कि तेरे बैचमेट्स को तेरा नाम याद हो जाए? अच्छा, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग समझ लिया। ओके ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक लिख लिया सबने। तो अब मुझे बस आपको कुछ एक दिक्कत वाली चीजें बतानी है जो साइजेस में आती हैं। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, वहां पर एज अ फैक्ट अपने को चीजें पता होंगी तो ही अपन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं वो तुमको लिखवा देता हूं एज अ फैक्ट। और फिर ये एक काम करता हूँ, मैं तुमको होमवर्क देता हूँ कि ये चीजें ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओगे तो थोड़ा याद रहेगा, है ना? चलो तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें दो तीन ऑर्डर तुमको ढूंढ के लाने, कुछ मैं और बता दूंगा। ठीक है, तो तुम ढूंढोगे तो तुमको याद भी ज्यादा रहेगा। लिखो, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ साइज, द ऑर्डर कोई सा भी लिख सकते हो, आइदर इंक्रीजिंग या चलो सिर्फ ऑर्डर ही लिख लो, तुम तो बता देना कि क्या ऑर्डर है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो पाए। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ साइज फॉर एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, मेटल्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबीडियम, सीजियम, यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इनमें आपको ऑर्डर निकालना है। एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ साइज फॉर द फॉलोइंग डी ब्लॉक सीरीज। तो पहली सीरीज 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और दूसरी सीरीज जो है वो है 4D सीरीज, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेशियम, रोडियम, पेलीडियम, सिल्वर और कैडमियम। रेडॉन नहीं लिखा, फ्रांशियम भी नहीं लिखा है, दोनों रेडियोएक्टिव है तो उनको अपन ने नहीं लिखा है। तो ये तुम ढूंढ लाओ, और अगर तुम देख सकते हो तो एफ ब्लॉक का भी साइज ऑर्डर देख लेना। इसको फिर अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। वील स्टार्ट विद आयनाइजेशन एनर्जी। तो अपना जो इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अपन करेंगे यूडियोमेट्री पे। इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन यूडियोमेट्री। उसके बाद वाला वापस अपन पीरियडिक वाला चलाएंगे, तो पैरेलल चल रहे हैं। यानी कि आपको, अच्छा एक सेकंड, पहले बताओ ये लिख लिया कि सबने, ये लिख लिया? नहीं लिखा, जल्दी लिख लो। तो मैं आज की थ्योरी को यहाँ पे रोक लेता हूँ। आई एम स्टॉपिंग द थ्योरी हियर।